हेलो एवरी वन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोस टूटोरियल इन दिस वीडियो वी विल भी टॉकिंग अबाउट शेड्यूल विच इज़ गुड फॉर योर एल टी मोस्ट ऑफ पीपल लास्टिंग फॉर दिस तो अगर हम बात करें कि जो शेड्यूल है वो किस तरह से होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अपना कर ही रहे होंगे तो लास्ट टाइम में आप लोग क्या कीजिए कि वन आवर आपको क्या करना है टू राइटर्स को डेली एक तरह से आप लोगों को गो थ्रू होना है उनके वर्कस उनके बारे में आपको पढ़ना है और जितना ज़्यादा हो सके उनको याद करने की कोशिश करनी है चैलेंज है आपके लिए कि दो दो राइटर आपको एक घंटे में क्या करना है थर्टी थर्टी मिनट में आपको कंप्लीट करना है उसके बाद आप सिंगल एक राइटर को बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे मीन्स उसके वर्क्स हो गए और उसके वर्क्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और उन्हें फैक्ट वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को कोर्स में दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है कि एक सिंगल राइटर तो पढ़ना है वो आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बीच बीच में ही पढ़ सकते हैं बीच से उठा के पढ़ सकते हैं जो कोर्स में है और वन आवर जो है आपका वो एक राइटर जो आप लोगों को डिटेल राइटर मिले हुए हैं वो एक डिटेल राइटर आपको पूरे एक घंटे में फिनिश करना है उसका रिविज़न भी करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप एक घंटे स्टडी कर रहे हैं तो उसे आप लगभग फोर्टी मिनट ही मान के चलिए फोर्टी मिनट के बाद में फ़िफ़्टीन मिनट खुद को दीजिए और चाहे आइज़ क्लोज कीजिए चाहे खड़े हो के टहलना शुरू कीजिए पंद्रह मिनट के लिए और उसके बाद उसको खुद से डिस्कशन कीजिए लाइक like कि वर्ज वर्थ का आपने फोटी फाइव मिनट पढ़ लिया है तो अब आपको वर्ज वर्थ के बारे में क्या क्या पता है फिफ्टीन मिनट तो आप लोग क्या कर सकते हैं खुद से डिस्कशन कर सकते हैं फिफ्टीन मिनट आपके पास अगर बोर्ड है या आप पेन पेपर ले सकते हैं और फिफ्टीन मिनट लिखने की कोशिश कीजिए जितना डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं राइटर के बारे में उसके बाद आता है वन आवर वन एज मग फैक्ट्स यहाँ पे मैंने फैक्ट्स को मगभ करने के लिए फोकस किया है पहले तो आप एल टी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स जितने आप मगभ कर सकते हैं कीजिए जितना ज्यादा रट सकते हैं उतना रटिए वही आपको लास्ट में काम आएगा समझना कम है रटना ज्यादा है ये आप लोग समझ लीजिए उसके बाद है आप लोगों का वन आवर में आप लोगों को एक एज जो है उसको पूरा पढ़ना भी है और सेम वही कीजिए लगभग फिफ्टी मिनट उस एज को पढ़िए और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि फिफ्टी मिनट में अगर आप एक एज को एक ही बार नहीं पढ़ना आपको फिफ्टीन मिनट में टारगेट कीजिए कि आप दस बार उस एज को पढ़ लें इतनी स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए देखिए रिपीटिशन ही ब्रेन को क्या करता है एक्टिव करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हमारे दिमाग में आ, अटकते हैं तो आपको क्या करना है कि फिफ्टी मिनट में एक बार धीरे धीरे समझ समझ के पूरी एज को पढ़ने के बजाय रिपीटिशन बढ़ा दीजिए दस बार उस एज को बहुत तेजी से रिपीट कीजिए राइट right, आप लोगों के पास में आ, है ही नोट्स तो आपको एजेस वाइज जो नोट्स दिए हुए हैं उनको बिल्कुल बहुत तेजी से आपको एक ही एज को क्या करना है एक दिन में कंप्लीट कर लेना है और लगभग दस बार आपको उसे पढ़ लेना है और फिर लास्ट के जो दस मिनट हैं उसमें आपको उस एज को खुद से डिस्कशन करना है हर टॉपिक के बाद आपको यही करना है खुद से डिस्कशन करना है दस मिनट दस मिनट इस तरह से दीजिए आप खुद आप अगर इसको पाँच छः दिन करेंगे तो आपको खुद चेंज फील होगा अपने अंदर राइट right, तो एजेस को इसी तरह से कीजिए और बहुत तेज़ी से पढ़ना आपको जैसे राइटर मैंने आप लोगों को बताया तो ये भी आपको वन आवर में लगभग दस बार आपको पढ़ देना है इतनी स्पीड होनी चाहिए और जो ऐप हैं जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ऐप यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए तो इसी तरह से आप लोग भी पी को फ़ोन में ही पढ़ सकते हैं दस बार पढ़िए बार बार उन्हें क्या कीजिए कभी आ, उनके ऊपर मार्क कीजिए किसी और कलर से मार्क कीजिए तो आजकल ये भी बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं हेल्पफुल है हेल्पफुल टूल है हम यूज़ कर सकते हैं इसको और आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं पी में भी हाईलाइट कर सकते हैं फटाफट पढ़िए है उसे और फिर लास्ट में दस मिनट जो खुद से आप डिस्कशन करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उसके बाद आपका है वन आवर शॉर्ट नोट्स फाइल तो मैंने एक एक फ़ाइल तो आज ही आप लोगों को दी है वो शॉर्ट नोट्स जैसे उसमें साहित्य अकादमी हो गया पेन नेम्स हो गए कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं ओके okay, जैसे हाबिंग ऑफ नेचर किसको कहा जाता है मींस मैसेंजर ऑफ नेचर तो वर्ड वर्थ को कहा जाता है इस तरह का बहुत सारे जो फैक्ट्स वाली फाइल है एटी फोर पेजेस वाली एक मेले, पहले मैंने आपको हंड्रेड पेज वाली दी थी उसमें भी शॉर्ट नोट्स हैं तो वो तो आप लोगों ने कर ली होगी काफी टाइम हो चुका है लेकिन अब जो ये एटी फोर पेजेस वाली है इसको भी आप करने की कोशिश कीजिए अब आपको शॉर्ट नोट्स इसलिए याद करने हैं क्योंकि लगभग पंद्रह से बीस क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं थर्टी मिनट थर्टी मिनट आपको जो एज वाइज एम सी क्यूज़ हैं एजेज वाइज एम आपको करने हैं उससे कहीं कही ना कहीं आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा वो सपोर्ट होगा अगर हो सके तो वही एज जो आपने पढ़ी है उसी को दोबारा कीजिए तो इसके आपका क्विक रिवीजन हो जाता है उसे और थर्टी मिनट आपको जो राइटर वाइज एम प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप लोग थर्टी थर्टी मिनट उनको कीजिए राइट जो भी राइटर आपने ऊपर पढ़े हैं लगभग तीन राइटर आप एक दिन में पढ़ेंगे लेकिन एक जो डिटेल पढ़ा है उसी को चूज़ कीजिए ओके okay, तो राइटर वाइज आप एम कर सकते हैं और होपफुली ये तो काफ़ी टाइम हो चुका आप लोगों के पास में नोट्स को तो आप लोगों ने कर भी लिए होंगे काफ़ी सारे और वन आवर मेक फ्लैश कार्ड फ्लैश कार्ड मेरा ख़ुद का एक मानना है कि फ्लैश कार्ड एक ऐसी ऐसा मेथड है कि जो बहुत तेज़ी से आपको फैक्ट्स आपको याद करने में हेल्प करता है हिस्ट्री हो गया जियोग्राफी हो गया या आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लें तो बहुत सारे ऐसे डेट्स होती हैं बुक्स के नाम होते हैं जो याद नहीं होते तो जो चीज़ें याद नहीं हो रही फ्लैश कार्ड अगर आपने हंड्रेड फ्लैश कार्ड अगर आपने बनाए हैं तो मुझे गारंटी है कि फोर्टी तो बनाते बनाते याद हो जाते हैं ओके okay, और फिर एक राउंड में आप लगभग सिक्सटी प्लस तो आप पहुंच जाते हैं और जो फोर्टी लास्ट के बचते हैं उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हंड्रेड क्वेश्चन तो देखिए हंड्रेड क्वेश्चन आपके क्या हो गए हंड्रेड क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे तैयार हो चुके हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट आप जो बनाएंगे नेक्स्ट टू डेज में थ्री डेज में तो अगर थ्री थ्री डेज में भी आप हंड्रेड हंड्रेड करते हैं तो काफी सारे आपके वन मंथ में क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपको फ्लैश कार्ड बनाने होते हैं जो आपको याद ही नहीं हो रहे देखिए बहुत टफ आप जिनको मानते हैं उन्हीं के फ्लैश कार्ड बनाओ क्योंकि इजी तो आप लोगों को ऑलरेडी याद है अब उसके बाद आता है एप्टीट्यूड के आप लोगों को जो टॉपिक्स हुए हैं उनको आप लोगों को रिविजन करना है और एक घंटे में आपको एप्टीट्यूड के जो एम वगैरह आप लोग कर सकते हैं वन आवर ग्रामर को भी दीजिए क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं तो ग्रामर का जो पोर्शन है उसे एक घंटा कम से कम दीजिए और वैसे मेरा मानना यह है कि अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप थर्टी मिनट इसको कर सकते हैं और थर्टी uh, मिनट फिर से आप एम या कुछ और कर सकते हैं वन आवर वन आवर आपका प्लस हो जाएगा ये आप लोगों का किस तरह से प्लस करना आपको आप मान के चलिए कि आप थर्टी मिनट आप लोगों का क्या होता है ब्रेकफास्ट होता है थर्टी मिनट आपका लंच होता है थर्टी मिनट आपका डिनर होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके और काम होते हैं जैसे ब्रश करना वगैरह तो आपके लगभग दो घंटे क्या होते हैं बढ़ जाते हैं अगर आप इसको यूटिलाइज़ कर पाए आप यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं क्योंकि बुक लेके तो आप घूम नहीं सकते तो आप अपने ऑडियो और वीडियोज़ जो हैं जो वीडियोज हमारी हैं अभी हमने बना चुके हैं तो वो वीडियोज़ आप लोग क्या कर सकते हैं कि चला के सोड़ सकते हैं जैसे मैंने आपको एजेस जो दिए हैं टेन वीडियोस समथिंग दिए तो आप क्या कीजिए कि अपने जब आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा हो या ब्रेकफास्ट आप लोग कर रहे हो उस टाइम पे आप एजेज uh, का कर लो कि मेरे को रोज क्या करना है ऐजेज वाली वीडियोस मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम में देखनी है लंच टाइम के लिए लंच टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो एम uh, सी चला सकते हो कोई भी हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं वैसे uh, चैनल में हमारे चैनल पे आपको लगभग थ्री थाउजेंड से ऊपर एम मिल जाएंगे तो आप डेली उनको देख सकते हैं एजेस वाइज भी एम हैं और तो बहुत सारे कोई सा भी एम सी रैंडम उठा सकते हो आप लोग लंच के टाइम को देख सकते हो डिनर टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए क्योंकि जो आपका तैयारी का जो पीरियड होता है उसमें एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को आपको समझना है बेशक ये आप लोगों को थोड़ा सा फनी भी लगे कि किस तरह से हम ये सब करेंगे लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा ये जो दो घंटे का प्रेपरेशन होता है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बुक से भी निजात दिलाएगा कि बुक थोड़ी सी आपसे दूर रहेंगी और प्लस ये जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप अपनी स्टडी से कट जाते हो वो भी आपका शामिल हो जाएगा आपकी स्टडी टाइम में ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जैसे अर्ली मॉर्निंग आप जैसे उठते हो अपने पास अगर आपके पास ब्लूटूथ है या आपके पास कोई स्पीकर है उस पर अपने फ़ोन को साइड में रख लीजिए और वीडियोज़ उसमें चला दीजिए तो बहुत सारा टाइम ड्यूरेशन लगभग मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इस तरह से अपने तीन से चार घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे जॉब के साथ साथ जब सारा चीजे, सारी चीजें सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होती है कई बार जो हाउस वाइफ्स हैं या जिनको खाना खुद बनाना है तो उसमें क्या है कि आप लोगों का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में लगभग आपका तीन घंटे तो आपका बनाने में चला जाता है और आप उसे खाएंगे भी तो एक घंटा करीबन उसमें लग जाता है तो आपका चार घंटा आपका क्या हो जाता है वीडियोज़ और ऑडियोज़ उसमें आपको बचा सकती है खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉइस में खुद भी जो टॉपिक आपको लगता है उसको कीजिए और इस तरह से आपके जो नाइन टू टेन आवर्स आप लोगों के हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो और होपफुली uh, कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो और सभी लोगों का जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उनका सिलेक्शन हो और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपके जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर सकते हैं इन केस यू डोंट हैव व्हाट्सएप नंबर यू कैन शेयर योर डाउट्स और योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप सेवन फोर जीरो नाइन टू एट सेवन वन फाइव सिक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो